नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हानी हुसैन जैदी और अपने इस चैनल पर हम डिफेंस और पॉलिटिकल अफेयर्स पर अपना एनालिसिस पेश करेंगे। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान नेवी के मैरीटाइम पेट्रोल तैयारे ATR-72 के हवाले से होने वाली एक अहम डेवलपमेंट पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, 27 जून 2020 को पाकिस्तान नेवी का तैयारा ATR-72 कराची से बरास्ता इजमीर जर्मनी के शहर मॉनशेंगला बैच पहुंच चुका है, जहां पे इसे VIP ट्रांसपोर्ट तैयारे से कन्वर्ट करके मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा। नाजरीन, जेन्स न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान नेवी के इस ATR तैयारे को इटालियन कंपनी लियोनार्डो के बनाए हुए एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे मल्टी मोड रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर से लैस किया जाएगा। मजीद ये कि सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए इसे एकॉस्टिक सिस्टम, सोनोबॉय लॉन्चर्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सूट और अपनी हिफाजत के लिए इलेक्ट्रॉनिक सेल्फ प्रोटेक्शन सूट से भी आरास्ता किया जाएगा। मजीद ये कि इसमें लाइट वेट टॉर्पीडोज के लिए दो हार्ड पॉइंट्स भी मौजूद होंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान नेवी का यह तीसरा ATR तैयारा है जिसे मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट पर कन्वर्ट किया जा रहा है। आपकी इतला के लिए बताता चलूं कि साल 2015 में पाकिस्तान नेवी ने अपनी फ्लीट में शामिल 4 ATR तैयारों में से 3 को मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट पर कन्वर्ट करने के लिए जर्मनी की कंपनी रेनलैंड एयर सर्विस को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया था। अलबत्ता फ्लीट में मौजूद चौथे ATR तैयारे को भी मुस्तकबिल करीब में मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसका इम्कान कई दिफाई हलकों ने जारी किया है। नाजरीन, आपकी इत्तला के लिए बताता चलूं कि पाकिस्तान नेवी इस वक्त मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम से गुजर रही है। आज से कुछ रोज़ कबल पाकिस्तान नेवी के चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने इस बात को कन्फर्म किया था कि पाकिस्तान नेवी मुस्तकबिल करीब में अपने P-3C ओरियन तैयारों को रिटायर करके नए लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स की तरफ जा सकती है। नेवल चीफ के मुताबिक पाकिस्तान बहरिया अमेरिका से P-8 तैयारे भी खरीद सकती है, लेकिन मौजूदा हालात के पेश नज़र इसके इम्कानात बहुत कम हैं। लिहाजा कुछ दिफाई हलकों में खबर गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान नेवी स्वीडन के बनाए हुए SAAB-240 स्वॉर्ट फिश में इंटरेस्टेड है। नाजरीन, मेरी अपनी जाती राय के मुताबिक SAAB-240 स्वॉर्ट फिश एक इंतहाई कैपेबल लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, जो कि पाकिस्तान नेवी की ज़रूरियात के मुताबिक पूरा उतरता है। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान नेवी मुस्तकबिल में किस तैयारे का इंतखाब करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही था। आपसे इजाज़त चाहता हूँ और आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।